आइए। जी तो बिल्कुल ठीक है पंडित जी, अभी आपके सामने ही हमने उसे कार पे भेजा था सामान लाने के लिए, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या पूछा देखा आप? देखा कैमरा है ऑलरेडी कि कैसे पे पीछे बाधाएं शुरू हो गई है। ये आप क्या कह रहे हो पीछे? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हम क्यों कह रहे हैं कि हम ऋषि का ख्याल रखें? बात क्या है बताइए पंडित जी, हुआ क्या है? वॉइस पर दो पल के आभास को बताकर मुझे ना नीलम जी को परेशान नहीं करना चाहिए। पहले मैं खुद से पुष्टि कर लेता हूँ, उसके बाद ही बता पाऊंगा कि खतरा है या नहीं। पंडित जी ने दी नीलम को चेतावनी, ऋषि की जान को है खतरा। जी हाँ, जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में हम देखेंगे कि पूरा अब्राय मेंशन नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाने में बिजी है। ऐसे में नीलम को पंडित जी कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुनने के बाद नीलम को होने लगती है टेंशन। जी हाँ, पंडित जी ने यहाँ नीलम को कहा है कि ओबेरॉय मेंशन में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। उन्हें आभास हो रहा है कि ऋषि की ज़िंदगी में कोई नया तूफान आने वाला है जिससे उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। पंडित की बात सुनकर नीलम परेशान हो जाती है और वो पंडित को पूछती है कि वो किस मुसीबत की बात कर रहे हैं, लेकिन पंडित जी कुछ कह पाते इससे पहले आंचल आकर नीलम को वहां से लेकर चली जाती है। क्यों कह रहे हैं हमसे क्या? हम ऋषि का ख्याल रखते, हुआ क्या है बोलिए, बताइए बात क्या है? दो पल के आवास को खतरा बताकर नीलम जी को परेशान नहीं करना चाहिए। चलिए पहले मैं ही तब्दीली कर लेता हूँ, उसके बाद ही बताऊंगा खतरा है या नहीं। नहीं नीलम जी, इससे चिंता की बात नहीं, बस मुझे ही मन में कुछ आया इसीलिए, बाकी कोई खतरे की बात नहीं है। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सब ठीक है, मुझसे ही डरते हैं। आप तो सब आगे जो दान धर्म करने ना कर लेते हैं। अच्छा ठीक हो जाए जैसे सोचा वैसे ना हो, देखा माता जी बोल रहा